हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 2017 में आई सुपर हिट मूवी इट के चैप्टर 2 के बारे में। क्या इसकी स्टोरी है और कौन कौन से कैरेक्टर हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको पहले ही बता दें, इस वीडियो में कुछ स्पॉइलर भी हैं, तो स्पॉइलर को साइड में रखते हुए बात करते हैं 2017 की पॉपुलर मूवी इट की। इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड्रेस ने। इट मूवी बेस्ड है स्टीफन किंग्स की नोवेल इट पर। इस नोवेल की स्टोरी को मूवी में दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट हम इट चैप्टर 1 में देख चुके हैं और सेकेंड पार्ट इट चैप्टर 2 में देखेंगे। इट का सेकेंड चैप्टर 6 सितंबर 2019 को रिलीज होगा। बात करते हैं इट की, तो इसमें सारे कैरेक्टर यंग होते हैं और इनका एक ग्रुप होता है जिसका नाम लूजर्स होता है, और यही सारे बच्चे मूवी में विलन को हराते हैं। और बात करें चैप्टर 2 की, तो इसे भी एंड्रेस ही डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट में ऑडियंस को इम्प्रेस किया था, और इसीलिए सेकंड पार्ट को उनसे अच्छा कोई और डायरेक्ट कर भी नहीं सकता। अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, तो ये स्टोरी है 27 साल बाद की, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और सब अपने टाउन से चले जाते हैं और सिटी में काम करने लगते हैं, सिर्फ माइक को छोड़कर जो टाउन में ही रहता है, और बाकी के सारे लूजर भूल जाते हैं उनके साथ बचपन में क्या हुआ था। और बाद में उनकी मेमोरी वापस आती है जब वो वापस फिर से हॉन्टेड प्लेस पर आते हैं। हमें चैप्टर 2 में पुराने लूजर्स की टीम भी दिखेगी जब वो बच्चे थे, जो मूवी में ईवल्स एंटिटी को हराने में मदद करेगी। अब बात करते हैं मूवी के कैरेक्टर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लूजर्स के ग्रुप के लीडर बिल, जिसका रोल जेडन लेबर हर कर रहे थे, जिन्हें रिप्लेस किया है जेम्स मैकेवे ने। बिल बड़ा होकर हॉरर मूवी का राइटर बन जाता है और बाद में किसी वजह से टाउन वापस आता है। अगला कैरेक्टर है बेवरली मार्श का, जिसका रोल सोफिया बिल कर रही थी, और इन्हें रिप्लेस किया है जेसिका ने। मार्श एक ऐसी आदमी से शादी कर लेती है जो उन्हें बेल्ट से मारता था, और बाद में वह एक फैशन डिजाइनर बन जाती हैं, और ये भी विलेन को डिफीट करने के लिए टाउन वापस आती है। अगला कैरेक्टर है माइक हेनलॉन, जिसे प्ले किया था चोजेन जेकॉब्स ने, और जिन्हें रिप्लेस किया है इशाही मुस्तफ़ा ने। माइक सिर्फ टाउन में ही रह जाता है और वॉचमैन की जॉब करता है, और जब उसे पता चलता है ईवल एंटिटी जिंदा है, तो वह शहर से अपने फ्रेंड्स को बुला लेता है उसे हराने के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर है बेन हैंसकॉम, जिसका रोल जेरेमी रे टेलर ने किया था, और उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है जे राइन। बेन बड़ा होकर जिम टीचर बन जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रेची, और जिसका रोल प्ले किया था फिन वॉल्फ हार्ड ने, और इसे रिप्लेस किया जा रहा है बिल हेडर के द्वारा। रेची बड़ा होकर एक टीवी होस्ट बन जाता है और बाद में अपने फ्रेंड से मिलता है। अगला कैरेक्टर है एडी, जिसका रोल प्ले किया था जेक डेलन ने, जिसे रिप्लेस जेम्स रेसन ने किया। एडी मूवी में शहर में अपनी वाइफ के साथ रहता है, जिसका नेचर मॉम जैसा ही होता है, पर चैप्टर 2 में वह अपनी मॉम के साथ रहता है। और अब बात करते हैं लूजर ग्रुप के आखिरी मेंबर स्टैन यूरिस, जिसका रोल प्ले किया था वॉट ऑलिफ ने, और रिप्लेस किया है एंडी बीन। स्टेन की नोवेल में डेथ हो जाती है और कोई अलग कारण होता है, पर चैप्टर 2 में देखना होगा इस कैरेक्टर का क्या होता है। और अब बात करते हैं मेन विलेन पेनीविज द डांसिंग क्लोन, इसका रोल बिल स्कारगार्ड ने प्ले किया था। इस मूवी में लास्ट में लूजर ग्रुप विलेन को हरा देता है, पर चैप्टर 2 में वह एक नई स्प्रिट के साथ आ रहा है,
और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि एंड्रेस ऑडियंस को फिर से कैसे इम्प्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको इस वीडियो में इट चैप्टर मूवी की स्टोरी और उससे रिलेटेड कैरेक्टर के बारे में आपको बताया। ऐसी ही स्टोरी, अमेजिंग फैक्ट्स, मूवीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इन्फिनिटी स्टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।